मेरा हाई कोर्ट में जो आई वाज लाइक 7-8 इयर्स ओल्ड जब मैं हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में माय फादर वुड टेक मी अलोंग अगर मुझे पॉलिटिक्स में रहना है इन्फ्लुएंस करना है टू बी इन द पावर स्ट्रक्चर सो PMLN is the right choice. I had a very, you know, sort of, I interacted with Mariam Sahiba and I met her for the first time during my interview. That stuck to my mind and she has always been very encouraging. What were the challenges you think? Ki nahi, in pe sabse pehle hume kaam karna hai. Sabse zyada jo professional aurat ke liye ek challenge hota hai, wo usko serious lena hai. I think women should be able to take lead in this profession. Assalamualaikum Nazreen. प्रोग्राम विमेन इन लॉ के एक और एपिसोड के साथ हाजिर है वाइजा रफीक और मैं निदा उस्मान चौधरी और हम आपको अपने इस दिलचस्प एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं. आज फिर हमारे दरमियान एक बहुत ही टैलेंटेड बहुत ही कॉम्पिटेंट विमेन इन लॉ मौजूद हैं जिनका नाम है मिस मैरी जेम्स गिल. वेलकम टू द शो मैरी. थैंक यू. शुरू करते हैं. सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में. हाउ डिड यू एंटर द प्रोफेशन, किस तरह से लॉ में आई और कैसे माशाल्लाह इतनी सक्सेसफुल इतनी अच्छी जर्नी आपकी रही और आप हम सब के लिए एक रोल मॉडल हैं, तो बताएं कि शुरू कैसे हुआ ये सब. एक्चुअली इट स्टार्टेड विद द वेरी बिगिनिंग ऑफ माय बर्थ. आई मस्ट से प्रोबेबली माय फादर ऑलवेज वांटेड टू सी मी एज अ लॉयर और एज पार्ट ऑफ द लीगल फ्रेटर्निटी. तो मुझे बचपन से पता था कि नो मैटर वॉट मुझे लॉयर ही बनना है. सो दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड प्रोबेबली इट हैज़ यू नो हेल्प मी अंडरस्टैंड कि मेरा लीगल करियर क्या होगा या प्रोफेशन मेरा क्या होगा. लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इट वाज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर यू नो माय काउंटर पार्ट्स. क्योंकि मोस्टली एक रिवाज होता है कि हमने सिर्फ साइंस पढ़नी है और अगर कोई बच्चा ब्राइट है तो उसको मैट्रिक में तो ज़रूर साइंस पढ़ाएँ, आगे FSC कराएँ, कुछ ना बने BCom कर लें फिर LLB कर लें. सो फॉर मी इट्स बीन अ वेरी फोकस्ड काइंड ऑफ जर्नी के आर्ट्स पढ़नी है, सिविक्स पढ़नी है, पॉलिटिकल साइंस एंड टिल आई ग्रेजुएटेड आई हैड यू नो अ गुड अंडरस्टैंडिंग कि क्या है. और शुरू से कानून की किताबें देखी, केसेस देखे. आई कैन स्टिल रिमेंबर कि मेरा हाई कोर्ट में जो आई वाज लाइक 7-8 इयर्स ओल्ड जब मैं हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में माय फादर वुड टेक मी अलोंग और बहुत ही मतलब आई स्टिल हैव मेमोरीज जो मेरे जितने भी. इसलिए इट वॉज़न्ट वेरी चैलेंजिंग फॉर मी व्हेन आई एंटर्ड इनटू लीगल फ्रेटर्निटी नॉट लाइक मैनी माई यू नो फीमेल कॉलीग्स. क्योंकि आई वॉज वेरी फेमिलियर विद द एटमोसफेयर एंड माई फादर वॉज ऑलवेज देयर एंड इवन पीपल इन द फ्रेटर्निटी दे वुड ऑलवेज सी मी यू नो एज माई फादर्स डॉटर एंड इट वॉज अनदर चैलेंज टू ब्रेक दैट आइडेंटिटी एंड क्रिएट माई ओन. I'm still not sure. I don't find myself as competent as my father, and I'm not a good lawyer, I must say. But what I see myself is that I really want to do something remarkable and extraordinary. This has always been in my mind. We totally disagree with you not being. I'm sure, of course, your father definitely must be a role model for you. But aapki on your own bhi achievement kafi hai, because I would like to share this with the audience. That Miss Mary has been part of the parliament as well. She was a member of provincial assembly in the PMLN tenure. Yes. So how did that happen? Ki aap legal profession se jo hai aapka ye parliament exactly and wo journey kaisi thi? We'd really and like to hear. Again, politics or law, dono professions jo hai, I think they get along very good. मुझे चूँकि मेरा इंटरेस्ट जो है प्राइमरली मेरा इंटरेस्ट जो है आई फाइंड माई सेल्फ मोर कम्फर्टेबल विद पोलिटिकल साइंस विद ऑल दैस ऑल दोज आइडियोलॉजीज ऑफ यू नो डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म फेडरेशन एवरीथिंग. लेकिन इट्स यू नो सम पीपल सम माई फ्रेंड्स दे मोटिवेटेड मी दैट आई शुड यू नो थिंग्स वर मूविंग डेमोक्रेसी वॉज स्ट्रेंथनिंग एंड फॉर मी the biggest inspiration to be in the politics was Mariam Nawaz Sahiba herself. She was just entering into politics. I saw her a couple of times on TV or it was very inspiring for me. So PMLN always have been seen as very hardliners, not very progressive. They were always the rightists. But with entering Mariam Sahiba herself, I saw a different phase. You know, it was like taza hawa ka jhonka and, you know, I would see her that she has, you know, carried herself so well. And I thought, all right, if I want to come into politics, so it should be with someone so inspiring and someone where I could actually contribute.
पंजाब में चूँकि मेरा बुनियादी तौर पे तो चूँकि कमिंग फ्रॉम क्रिश्चियन कम्युनिटी मेरा एक ही पर्सपेक्टिव रहा है कि हाउ टू मेक थिंग्स बेटर फॉर अस फॉर आर कम्युनिटी. तो मुझे लगा पंजाब में हमारी मेजॉरिटी है और हमें अगर मुझे पॉलिटिक्स में रहना है इन्फ्लुएंस करना है टू बी इन द पावर स्ट्रक्चर सो PMLN इज़ द राइट चॉइस. एंड ऑफ कोर्स आई माय यू नो कमिंग फ्रॉम रायविंद माय नेटिव इज़ रायविंद इट्स वेरी मच यू नो डिफिकल्ट टू थिंक ऑफ एनी अदर प्लेटफॉर्म. सो आई हैड अ वेरी यू नो सॉर्ट ऑफ आई इंटरेक्टेड विद मरियम साहिबा एंड आई मेट हर फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग माय इंटरव्यू एंड दैट स्टक टू माय माइंड एंड शी हैज़ ऑलवेज बीन वेरी इनकरेजिंग. मैंने माइनॉरिटी सीट के लिए अप्लाई किया बट शी आस्क्ड मी दैट आई शुड वर्क ऑन वुमेन साइड विद हर एंड it was like a life changing experience. Since then I came into the parliament with her support and encouragement. Then the provincial leadership was very kind. I was given different assignments, was part of very influential committees, important committees. The most important work I think that I contributed wo ek review committee thi जो वुमेन एम्पावरमेंट पैकेज पे. सो चीफ मिनिस्टर पंजाब इन 2012 ही इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम वुमेन एम्पावरमेंट पैकेज 2012 में. और फिर उन्होंने उस पैकेज के थ्रू पंजाब में वुमेन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनी. उसमें फिर डिपार्टमेंट उसका अलहदा से बना. वुमेन मिनिस्टर आई पहली दफ़ा. लीगल रिफॉर्म्स एग्जिस्टिंग लॉज में लीगल एंड पॉलिसी जो फ्रेमवर्क था उसमें इनिशिएटिव जो थे. So that committee was since 2014. I was part of that committee and I was part of every initiative Punjab government took for women empowerment. So this was something incredible. It was the confidence by the party leadership and of course it was just because I had a legal background. So it really helped me understand. I worked on many legislations anti honor killing, then there was an asset crime, then Hindu marriage bill. Of course it was very important. Mujhe hamesha se lagta hai ki jo aap hamesha force conversion ke incidents hum sunte hain Sindh mein with Hindu women aur Punjab mein Christian khawateen ke hum cases dekhte hain, lekin mujhe usme laga sabse bunyadi wajah hamari jo ineffective family laws hain. So I had a huge contribution to put things straight. Zabardast anti honor killing and you know everything which yes. is actually required in our society to be done, which is very much important. To aapko ye sab karne mein, where do you think you felt ke nahi yahan pe bahut challenges aa rahe hain ya ye mushkilat isme hain jinko overcome karna bahut zaruri hai for the people who want to pursue baad mein jo aake karna chahte hain unke liye. To what were the challenges you think ke nahi in pe सबसे पहले हमें काम करना है बिकॉज़ इसके बगैर हम नहीं रिफॉर्म्स ला सकते. मुझे सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए एक इट वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड प्रोबेबली वन ऑफ द रीजंस आई वांटेड टू कम इनटू पॉलिटिक्स एंड इनटू द पार्लियामेंट वो क्रिश्चियन फैमिली लॉस थे. और आई सॉ वुमेन सफरिंग जस्ट बिकॉज दे कुड नॉट गेट आउट ऑफ मैरिज डिसेंटली. ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था. आई सॉ इवन वुमेन फ्रॉम माई ओन फैमिली सफरिंग क्योंकि जो ये कानून बहुत ही अजीब सा है. एक तो यू नो इट्स मोर देन 100 years old एंड वी स्टिल कैन नॉट फाइंड रेलिवेंस. मैनी ऑफ द सेक्शंस आर ऑब्सोलीट. लेकिन इस सारे प्रोसेस में जो सबसे बड़ा मुझे लगा कि इट्स कॉन्ट्रोवर्शियल येस. सो देर आर थ्री थिंग्स मैरिज डिवोर्स एंड इनहेरिटेंस. आई हैवन्ट सीन क्रिश्चियन वुमेन बींग गिवन शेयर इन द इनहेरिटेंस. It is not legislated. There is only one judgment of Supreme Court's 1992 jahan par ye clearly a ruling di gayi hai ki men and women are equally entitled to inheritance. Lekin practically nahi hai. Abhi bhi people think in the same way ke wahi primitive jo soch hai muashre ki. Lekin us sab mein matlab sub continent mein issues hamare mutual hain. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उस पर जो आइन के तहत जो हम एक तो चूँकि ग्लोबल एक फ्रटर्निटी का हिस्सा हैं, हमने कुछ इंटरनेशनल गवर्नेंस हैं ह्यूमन राइट्स के जो हमने हम सिग्नेटरी हैं. वो आईसीसीपीआर है, उसमें सीडॉ है, यूडीएचआर है,
और वो हमारी आईन में उसकी प्रोटेक्शन है, इक्वल है बिफोर द लॉ, कोई इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. लेकिन जो हमारे फैमिली लॉज हैं वो उससे बिल्कुल मुनाफी हैं. बहुत सारी ऐसी शिकें हैं जो आईन से मुतसादिम हैं, और ज़ाहिर है कि अगर कोई ऐसा कानून जिसमें ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती हो, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती हो, तो उसको ठीक करना रियासत की जिम्मेदारी है. एंड गवर्नमेंट वॉज वेरी यू नो वेरी सपोर्टिव पॉलिसी मेकर्स, दे वर रेडी टू टेक अ स्टांस, बट देर वॉज अ ह्यूज लैश बैक फ्रॉम द कम्युनिटी. सो इट थॉट इट्स लाइक इंटरफेरेंस विद द रिलीजन. आई मीन ऑफ कोर्स वी डू नॉट हैव सिविल लॉ, वी ऑल आर गवर्न बाई पर्सनल लॉज, आर ओन पर्सनल लॉज ऑफ एवरी सेक्ट एंड रिलीजन. बट यू नो माई ओनली आर्गुमेंट वॉज दैट इट इज स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी सिटीजन. एंड गवर्नमेंट वॉज वेरी यू नो कीन टू अंडरस्टैंड दिस. एंड उस पर मुझे बहुत पार्टी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से काफी सपोर्ट मिली. एब्सोल्युटली, आई थिंक इवन इन द वेस्ट और जहां पे हार्डकोर आप क्रिश्चियन लॉज देखे हैं, इवन दे हैव मूव्ड अवे फ्रॉम द रिलीजन एंड दे हैव अडॉप्टेड अ मोर ह्यूमन राइट्स अप्रोच. एंड वो जो रिलीजन और स्टेट की सेपरेशन है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है. बिकॉज and again Waiza and I were having this conversation when we were planning for this episode also. She was right in saying ki religion ko thoda progressively dekhein to wo human rights ke sath hi in tandem ho, तो आपकी एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी जो है वो Absolutely. वो सामने आ सकती है. राइट Waiza? सो ये तो बिल्कुल ऑफ कोर्स आई एम श्योर कंट्रोवर्शियल भी रहा होगा आपके लिए, इसमें बहुत चैलेंजेस होंगे. सो एज अ लॉयर, एज अ पार्लियामेंटेरियन, एज अ वुमन, एज अ यंग ग्रेजुएट, एज एन एक्सपीरियंस पर्सन नाउ, आपके पर्सनल चैलेंजेस क्या रहे, मतलब इस सबको आपने क्या क्या फेस किया? आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और मेरा ख्याल है कि बहुत सारी जो वुमेन कॉलीग्स हैं वो एग्री करेंगे कि सबसे ज़्यादा जो प्रोफेशनल औरत के लिए एक चैलेंज होता है वो उसको सीरियस लेना है. लोग संजीदगी से नहीं लेते, इवन के वुमेन लॉयर के पास जाने से पहले वो सोचेंगे ये कुड़ी ने की करना है. आई मीन दिस इज़ वेरी जनरल परसेप्शन फॉर द लिटिगेंट्स. और वो चाहेंगे कि अगर कोई हीनियस क्राइम है, जैसे मर्डर का मामला है, जैसे नॉकोटिक्स के मामला जाते हैं, ऐसे तो उनका ख्याल है कि चूँकि ये ख़वातीन हैं, इनको इतनी लॉ की समझ नहीं है, सो दे आर मोर कम्फर्टेबल विद फैमिली यू नो लाइक स्टाफ, गार्डियनशिप है. ऑलराइट, इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज वुमेन आर मोर सेंसिटाइज्ड. लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो इनकम्पिटेंट हैं या उनके पास समझ नहीं है. एंड इट इज़ मेडिकली प्रूवन, देर इज़ नो वे टू से दे आर गुड, मोर गुड एट मल्टी टास्किंग एंड वी हैव एडेड वैल्यू फैक्टर्स. मेरा ख्याल है कि ये चैलेंज तो रहा है. बहुत ज़्यादा लीगल फ्रटर्निटी में तो नहीं, क्योंकि जस्ट बिकॉज हैविंग अ बैकग्राउंड, लेकिन एज अ पॉलिटिशियन, एज अ पॉलिटिकल वर्कर, दिस हैज़ ऑलवेज बीन अ चैलेंज. एंड आई हैड टू वर्क यू नो मोर देन डबल टू प्रूव दैट यू नो आई कैन ऑल्सो डू दिस. एंड पीपल शुड नॉट सी यू नो वेमेन इन द पार्लियामेंट जस्ट एज स्वीट डिशेज, हमने अक्सर सुना है, बट दे ऑल्सो हैव अ पोलिटिकल एक्यूमन. दे कैन, दे आर बेटर पीस मेकर्स, दे आर बेटर निगोशिएटर्स, दे हैव बेटर पोलिटिकल सेंस. वी हैव सीन यू नो वी स्टिल गिव एग्जाम्पल्स दैट देर इज़ नो बेटर लीगल प्रोफेशनल दैन आसमा जहांगीर साहिबा, देर इज़ नो बेटर पॉलिटिशियन दैन बेनजीर साहिबा. सो वी हैव गॉट रोल मॉडल्स एंड वी शुड नॉट सी वुमेन जस्ट डूइंग द हाउस होल्ड चोर्स. सिर्फ उनको हम एड में तेल है, खाने का तेल अच्छा है, डिटर्जेंट अच्छा है, डिश वॉशिंग अच्छा है. सो दिस इज बन गया. आई थिंक कि ये जो हमें रोल मॉडल्स जो हैं उनको अपने करिकुलम में इंडक्ट करना है, जो बच्चों को ये पढ़ाना है कि औरत का काम सिर्फ घर की सफाई सुथराई नहीं है, दे आर ऑल्सो वुमेन, दे आर ह्यूमंस, वी नीड टू सी देम एज ह्यूमंस विद इंटेलेक्ट, विद नॉलेज, विद विजडम. एंड आई थिंक फॉर इवन for legal professionals they need to understand that justice in law is personified as a woman. Exactly. so supreme court hum lady justicia ki baat karte hain, the goddess of justice, so she is a woman. Mm-hmm. I think there's a logic behind that. It does not happen like this ki aapne liberty ko personify karna hai, it's a woman, aapne law ko personify karna hai, it's a woman. So I think the oldest civilizations, yes, and I'm you know
this has actually strengthened my faith in my ability and capacity to be a lawyer. Kyunki aap, women are more reasonable, they're logical. Kanoon jo hai, wo logical hai, it's a common sense. So I think women should be able to take lead in this profession. True. Waiza, hum ye jaanna chahenge na inse ke Mary James as a lawyer ya Mary James as a parliamentarian? Aha, ye to bada interesting sa sawal hai. I mean, of course, I cannot get rid of my identity as a lawyer, and I need to take pride in that. I haven't been very serious about this profession, but I've seen its value in my life, and it has actually life-changing. As a politician, yes, it is something I really admire. I think I'm, you know, my political sense is, I love reading political literature, political philosophy. I think both, but I think I would love to be seen as a good lawyer. All right. So, hamara jo ye initiative hai Women in Law, jisme hum highlight karte hain auraton ki struggle ko, unke efforts ko, jo group ke through hum operate kare hain, uske bare mein what would you like to say? Has it been beneficial to you also in some respect? Ya what would you like to say about that? I mean, it's been really, really honor, and it's not just words. The first time I learned about this initiative, and I really felt amazing. I mean, the strength this cooperation among the women legal fraternity has, it is very important. Mera khayal ki isse pehle jab Fakhrunisa Sahiba thi, she tried to bring women together, but not in a technological way. You know, WhatsApp is the new way of thinking, a new way of, you know, communicating. So, mere liye to, you know, Nida asked me that, would you like to be part of this? So my abrupt answer was, I would be really honored, and I really mean it. Kyunki itni badhiya khawateen hain, very, you know, highly qualified, very professional, and it's, you know, nothing gives me more happiness than seeing a woman, you know, very empowered. Support another woman. Yes. It's an honor, equal honor for us to have you on board. इससे हमारे ग्रुप की हमारी इनिशिएटिव की वैल्यू बढ़ती है एंड विद द काइंड ऑफ इंस्पिरेशन जर्नी यू हैव आपके बिल्कुल क्लोजिंग से पहले हम फाइनल कमेंट्स लेना चाहेंगे आपका क्या मैसेज होगा आने वाली जो हमारी यंग लॉयर्स हैं उनके लिए मेरा ख्याल है कि मैं एक बात तो बिल्कुल तय है कि अभी हालात जो बदल रहे हैं और अगर हम 50% पाकिस्तान की बात करें तो 50% जो ख्वातीन की आबादी है उसको घर में बिठा कर या उनको देखें हमारे पास मेडिकल डॉक्टर्स आते हैं हम गवर्नमेंट बहुत इन्वेस्ट करती है उन पर लेकिन दे जस्ट बिकम डॉक्टर्स फॉर गुड स्पाउस फॉर गुड प्रपोजल और वो उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करते सो इट हर्ट्स आर इकॉनमी अगर पाकिस्तान को इकोनॉमिकली प्रॉस्परस होना है सो दैट 50% नीड्स टू यू नो इंटीग्रेट और वो उनको अपना वो हिस्सा इस इकॉनमी में डालना है इकोनॉमिक ग्रोथ में और women in legal fraternity in particular, I mean, Lady Justicia should be your role model. And you should see that, you know, equality, equity, rule of law, these are your qualities. You're born, you know, with legal sense. Mera khayal hai, you need to work really, really hard so people take you seriously. True. इसी के साथ हमारा एपिसोड इख्तिताम को पहुंचा थैंक यू वेरी मच मैरी फॉर कमिंग ऑन द शो आपने वक्त निकाला आप तशरीफ लाई हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव हमसे शेयर किया हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ प्रोग्राम वेमेन इन लॉ जस्ट वन टीवी पर मुझे और निदा उस्मान को दीजिए इजाज़त खुदा हाफिज़